हेलो। हाँ बोलिए जी। हाँ राज तलवार भाई। हेलो। जी हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, सोनू कमांडो, क्या बोले? छत्तीसगढ़ से सोनू कमांडो बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ चुनाव लड़ रहे हैं भैया, पूरा जी सहयोग है, लेकिन एक सवाल करिएगा कि और सैनिक बल वाले इतने मेहनत इतने परिश्रम करते हैं तो उनको पुरानी पेंशन नहीं है, नेताओं सांसदों को पुरानी पेंशन क्यों है? अर्धसैनिक बल में कितने लोग होंगे? नहीं अरे उसमें 350 है, 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख लोग नहीं हैं। 3.5 लाख लोग, 3.5 लाख लोग में से एक एक तो 1% लोग भी राजीव तलवार को 100 रुपया नहीं दे सकते। नहीं, 100 रुपये नहीं भैया, आप कल मुद्दा उठे, 100 की बात नहीं, आपको इतना लोग दे देंगे कि आप सोच लीजिए ना। अरे हम जानते हैं इस देश के लोग कितने गांडू हैं, इस देश के लोग कितने बड़े हराम खोर हैं कि आपको नहीं ऐसा सब नहीं भैया, अरे हम सैनिक हैं और कमांडो है, आपको सहयोग करेंगे, बस एक बार मुद्दा उठाकर आप डालिए, और नहीं सही होगा तो फिर बोलिएगा। हम व्यापारी नहीं हैं, हम मीडिया बिकाऊ मीडिया नहीं है जो इसलिए नहीं खबर। सर, नहीं सर, वो बात नहीं, बात मुद्दा उठाने की बात है सर, आपको सहयोग करना, आपकी मुद्दे की बात है, वो मैं बोल रहा हूँ सर। अच्छा एक बात बताइए, इतनी मेहनत के बाद जो सेना का जवान या सेना का सरकारी कर्मचारी पुलिस या कोई भी हो लेखपाल जिसको देश जी जी सब जी सब कुछ दे रहा है, 60,000 1 लाख महीना दे रहा और है, सब वो दे रहा है सर, लेकिन पेंशन सुन नहीं, सुन लेकिन बोल अरे नहीं सकते। अरे सुनिए भाई, जो वो समाज हमको 100 रुपया नहीं दे पाया, वो नौकरी करने लायक है ही नहीं है। मैं रहता तो आप सबको पूरे देश से सरकारी नौकरी नौकरी करने वाले को लात मार के निकाल देता है। गलत नहीं कर रहा हूँ सर, तो कमेंट बताइए। किया हूँ आपकी वीडियो को, पूरा शेयर किया हूँ, कमेंट किया हूँ, आप पूरा आपका लायक मैं हूँ, नहीं गरीब आप आपसे मैं। सुनिए, हाँ मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, एक नंबर की बात करें, लेकिन क्या करेंगे, राज तलवार कोई समझ ही नहीं पा रहा है सर, क्या करें। तब इन चुतियों की खबर हम क्यों बनाए, क्यों गुलामी करें? पैसा लेके खबर बनाएंगे तो हम दलाल हो जाएंगे, हमें दलाल नहीं नहीं सर, बनना। नहीं सर, पैसा नहीं, पैसा नहीं बात है, तो मैं वो अग्निहोत्री सर, अमिताभ अग्निहोत्री सर से बोला कि नरोवा जी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इंग्लिश का थोड़ा स्पेलिंग उनसे पूछ लीजिए। किसी पत्रकार के गाल में दम नहीं है। देखिए ऐसी कमरा में बैठ के बोलने से कोई पत्रकार नहीं हो सकता है इस देश में। हाँ तो बोला कि भैया वो सांसद ही बीजेपी का, मैं इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं पूछ सकता हूँ, तो फिर क्यों दिखा रहे हो भाई फेसबुक अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, कौन जो चला रहे हो? सब घबराई मत, सबके पिछवाड़े में हम घुसेंगे, राजीव तलवार घुसेगा, आप लोग सरकारी नहीं, कर्मचारी। आजमगढ़ में देखिए सर, आजमगढ़ में कोई भी धर्म हो, कोई समुदाय हो, लेकिन लाजू तरवार के साथ सब हैं सर, जो भी फौज है और सैनिक वाले सब आपके साथ हैं सर, चुप नहीं है रहिए, तो आप फेसबुक स्टेटस देख लीजिए। अरे चुप रहिए, अभी भी साले ये मोदी मुलायम आरती की बात कर रहे हैं, अभी भी मोदी मुलायम वो तो आरती की बात आइए कर है रहे सर, वो हैं। तो आइए सर, गजब गांडू हैं सभी सब। वो गांधीगिरी देश धर्म में और जाति में और वोट बैंक के आगे कुछ इशारे नहीं कर पाएंगे। गद्दार है, नमक हराम है सब। हाँ, ये आदमी को पहचान ही नहीं सकते कि आदमी कौन क्या मुद्दा उठा सकता है, कौन क्या बोल रहा है, ये आदमी को नहीं पहचानेंगे, बस नामर्द झंडे और बैरल के नीचे ही रहेंगे कि मेरी जात है, मेरी बिरादरी, बस यही बोलेंगे सर। नहीं, ऐसा नहीं है, हवाओं का रुख बदलेगा, नामर्द कुछ मर्द बनने लगे और एक दिन पूरा देश मर्द बन जाएगा, राजीव तलवार को प्यार करेगा। बस आप लोग नहीं अपनी वो तो प्यार जिम्मेदारी, होगा सर, वो तो आपका होगा सर, ये तो आप मैं बोला हूँ, लोग वो तो प्यार चलिए होगा। ठीक है, फिर कभी बात करते हैं। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? मैं बीजापुर में हूँ सर। ठीक, धन्यवाद।